नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो आज हम लोग वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर एक फंक्शंस अप्लाई करने वाले हैं, और एक बहुत ही मजेदार फंक्शंस है जो कि एक्सेल नहीं कर सकता है। देखिए क्या है कि एक्सेल फॉर्मूला जो हमारे पास है, उस एक्सेल फॉर्मूला में हमारे पास कोई ऐसा फीचर नहीं है जो कि एक कॉलन में एक कलर को, मतलब कि एक फॉर्मेटिंग को रीड कर सके। मुझे काउंट करना है कि कितने जगह पे रेड कलर किया गया है, ये काउंट हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए जो कि पर्टिकुलर कॉलम का कलर काउंट दे दे, तो ताकि मैं काउंट कर सकूं कि हाँ कितने जगह पे हमने गलती किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉर्मल एक्सेल से नहीं, वीवीए प्रोग्रामिंग से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग अपनी। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में मेरी और वीडियोज देखने के लिए यूट्यूब के सर्च पेज पे IPT इंडिया सर्च करें, आपको मेरे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लासेस का फॉर्म भर सकते हैं, जिससे आप हमारी लाइव क्लासेस लें। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो मेरे मोबाइल नंबर पे अपनी ईमेल आईडी, SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने यहां पे फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन फंक्शन में हम यहां फंक्शन नेम देते हैं कि काउंट कलर। और ब्रैकेट ओपन एन एज ए रेंज, ए वेरिएबल देना होता है, सॉरी फंक्शन का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। अब यहां पे हम देंगे डिम आर एज ए रेंज, एंड यहां देंगे कि 4 HR in N, और कंडीशन होगा कि इफ आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, या जो भी कलर आपका हो, देन हम यहां पे एक वेरिएबल, एक काउंटर लेते हैं सी एज ए काउंट। कलेक्शन क्यों आ गया, सी एज ए इंटीजर। और यहां पे हम देते हैं सी इक्वल टू सी प्लस वन, और यहां पे हम करते हैं एंड इफ, और नेक्स्ट आर, और लास्ट में हम बोलते हैं कि काउंट कलर इक्वल टू आर, क्योंकि आर हमारा आर नहीं होगा, सी होगा यहाँ पे। हाँ, सी हमारा रिजल्ट कैरी कर रहा है कि कितने। अब चलिए इसको एक्सेल सीट पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये कोड हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। COU काउंट कलर नीचे आ गया, और इसमें हम अपना रेंज देते हैं जो हमारा रेंज है, और एंटर। देखिए होता है कि 5 कलर है हमारे पास, 5 सेल में हमारा रेड कलर दिया गया है। अगर मैं एक कलर और बढ़ाता हूं तो 6 नहीं हुआ। 6 करने के लिए मुझे इसको एक बार और एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई वैल्यू है, फॉर्मूला नहीं है जो अपडेट होने के बाद फॉर्मूला अपना वर्क करता है, क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मेटिंग फॉर्मूले को इफेक्ट नहीं करती है, तो इसलिए ऑटोमेटिक चलता नहीं है। इसलिए आपको जब भी कलर अगर चेंज करते हैं तो एक बार फॉर्मूले को रीस्टार्ट करना होता है। एक बार कोड दोबारा से देख लीजिए, कोड जो हमने टाइप किया है, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन लिखते हैं काउंट कलर, और यहाँ पे दिया हमने एन एज ए रेंज,
और डीम आर एज अ रेंज, सी इज इंटीजर फॉर ईच आर इन, हर एक सेल यानी कि जो रेंज हमने दिया है उस रेंज के हर एक कलर में जाकर चेक करें, उसकी कलर को चेक करें कि अगर रेड है तो सी के ऊपर एक नंबर ऐड कर दे, एवरी टाइम जब जब इसको कलर मिलेगा सी पे वैल्यू को ऐड करता चला जाएगा, मतलब सी पे जितना वैल्यू ऐड हुआ है वही हमारा रिजल्ट है, और उस फंक्शन नेम के जरिए रिजल्ट को हम बाहर कर देंगे। कोई दिक्कत वगैरह हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, और हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस देते हैं जूम ऐप के थ्रू, जो मेरे वीडियोज देखते हैं मोस्टली वीडियोज हमारे लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन हमने सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं डाल रखी है, 3,000 से 4,000 सैंपल वीडियो डाल रखा है, तो हमारी उस सैंपल वीडियो को आप देख सकते हैं या मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास ले सकते हैं। अगर मेरे साथ लाइव क्लास ना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए या मेरे डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पे जाके डेमो क्लासेस का फॉर्म भेजिए, 2-4 क्लास डेमो लेके देखिए, अगर ठीक लगता है तो आप ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।